जो जो वेंटिलेशन दिया गया है इसका जो उजाला है आप देख सकेंगे, यहाँ पर लेट बात पर भी जाएगा और इधर पोर्च पे भी आपको इसका उजाला आपको देखने को मिल। और आपका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको 25x40 1000 स्क्वायर फीट पर चल रहे एक निर्माण कार्य के बारे में दिखाऊंगा और साथ में यहाँ पर जो हाल कमरा जो किचन यहाँ पर दिया गया है उसका साइज भी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर अब तक का जो खर्चा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में यहाँ पर जो एलिवेशन काम चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 25x40 1000 स्क्वायर फीट पर चल रहे एक निर्माण कार्य के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का यहाँ पर फ्रंट दिया गया है यहाँ पर 25x40 1000 स्क्वायर फीट पर यहाँ पर चल रहा है काम। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो गाड़ी पार्किंग है यहाँ पर प्लेंथ से लेकर जो ज़मीन की यहाँ पर जो हाइट है 1 फीट करीबन इसकी हाइट को यहाँ पर रखा गया है और 3 फीट की यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेशन का यहाँ पर बाउंड्री पर यहाँ पर काम हुआ है और पतली ईंट के यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 राफ्टर यहाँ पर दिए गए हैं बाहर और यहीं पर आपको एक मेन गेट आपको यहाँ पर लोहे का यहाँ पर लग जाएगा और बढ़िया सा एलिवेशन आप यहाँ देख सकते हैं चल रहा है काम। इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ यहाँ पर क्या प्लानिंग यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है गाड़ी पार्किंग, इसका जो साइज है वह 11x16 इस गाड़ी पार्किंग के साइज को यहाँ पर रखा गया है और यहीं पर आपको 3 फीट की आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा जगह यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आप गार्डन वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाहर के बाहर एक विंडो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, बॉक्स नुमा विंडो यहाँ पर बनाई गई है एक हॉल के और यहीं पर गाड़ी पार्किंग और गाड़ी पार्किंग से ही यहीं पर आपको जीना दूसरी मंजिल के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नल के पॉइंट दिए गए हैं गाड़ी पार्किंग के यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग का साइज 11x16 और गाड़ी पार्किंग से ही यहीं पर आपको 3.5 फीट का आपको एक गेट यहां पर देखने को मिलेगा हॉल के अंदर जाने के लिए और आपको एक रास्ता यहां पर आपको दिखेगा। 3.5 फीट की गली यहां पर भी दी गई है ताकि हॉल बेडरूम किचन पर भी यहां से जाया जा सके। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर हॉल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉल को बनाया जा रहा है 9x16 इस हॉल के साइज को यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर भी प्लास्टर का काम हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़े से एक खिड़की यहाँ पर भी दी गई है उजाले के लिए और एक गेट आपको यहाँ पर 3.5 फीट का गेट यहाँ पर भी दिख जाएगा यहाँ से जाने के लिए और एक गेट आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा और बढ़िया सी विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ताकि इसका जो उजाला है हवा है हॉल पर यहाँ पर आ सके और यहीं पर बढ़िया सा एक छोटा सा गार्डन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइए चलिए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी पार्किंग से यहीं से हाल से होते हुए और यहाँ पर गली और यहीं पर आपको एक लेट पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 8x4 इस लेट बाद के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टर हुआ, अभी टाइल्स वगैरह का काम अभी यहाँ पर बाकी है और यहीं पर आपको एक किचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किचन 12x8 इस किचन के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है और यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है विंडो ताकि इसका जो उजाला वगैरह है यहाँ पर आ सके। तो 25x40 यहाँ पर है कॉर्नर वाला मकान, तो यहाँ पर भी एक विंडो यहाँ पर दी गई है साइड पर और एक हॉल के जस्ट साइड पर यहाँ पर दी गई है और यहीं पर एक बेडरूम की आपको यहाँ पर भी एक बेड विंडो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है किचन 12x8 इस किचन के साइज को यहाँ पर रखा गया है। किचन के जस्ट साइड में एक आपको एक बेडरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8x10 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक विंडो है, एक विंडो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो विंडो दी गई है यहाँ पर कॉर्नर वाला है तो साइड पर यहाँ पर एक विंडो दी गई है। इसका भी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो बेडरूम पर एक विंडो यहाँ पर दी गई है और एक किचन पर जो विंडो दी गई है वो बाहर से यहाँ पर कैसी दिखती है और एक विंडो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के
साइड से यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी पार्किंग साइड पर, और आपको किचन के पास में आपको यहाँ पर वॉश एरिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसका साइज 3x10 इसके साइज को यहाँ पर रखा गया है, और यहीं पर अब तक का जो खर्चा है यहाँ पर 12 लाख रुपए अब तक का यहाँ पर लग चुका है। और यहीं पर आपको देख सकते हैं आपको यहाँ पर किचन के ऊपर यहाँ पर स्लिप दी गई है वॉश एरिया के जस्ट ऊपर, ताकि आप सामान वगैरह आप यहाँ पर रख सकें। बढ़िया सी प्लानिंग यहाँ पर की गई है 25x40 1000 स्क्वायर फीट पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेथ बाथ, और यहाँ पर भी आपको एक बेडरूम यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। इसका जो साइज है वहाँ 12x12 इसके साइज को यहाँ पर रखा गया है, और यहीं आपको एक स्लिप आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ताकि सामान यहाँ पर आप रख सकें। और यहीं वेंटिलेशन दिया गया है उजाले के लिए, ताकि इसका जो उजाला है इस बेडरूम पर आ सके। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो वेंटिलेशन दिया गया है इसका जो उजाला है, आप देख सकेंगे यहाँ पर लेथ बाथ पर भी जाएगा और इधर पोर्च पे भी आपको इसका उजाला आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया है, ताकि इस बेडरूम पर अंधेरा ना रह सके। और लेथ बाथ पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो इसका उजाला आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग, एक हॉल और 2 बेडरूम और एक किचन और लेथ बाथ के साथ इसकी प्लानिंग को यहाँ पर किया गया है। तो आइए चलिए मैं आपको बाहर से यहाँ से दिखाता हूँ इसका जो बाहर का जो एलिवेशन बनाया जा रहा है साइड फ्रंट का, वहाँ आपको देखने में किस टाइप का यहाँ पर लगेगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर एलिवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। जब ये काम और भी कम्प्लीट हो जाएगा तो इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक साइड का यहाँ पर आपको एक रोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है जो कानर वाला प्लाट है, और कानर वाले प्लाट अधिकतर आपने देखे होंगे बहुत ही सुंदर से यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंट की जुड़े करके यहाँ पर कटिंग की गई है प्लास्टर से, और बढ़िया सा बॉक्स नुमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। छोटा भी है, बड़ा भी, थोड़ा बड़ा ये बड़ा, और बढ़िया सी यहाँ पर कटिंग। और आपको जो विंडो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी एक किचन की और एक बेडरूम की, यहाँ पर विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वॉश एरिया किचन के जस्ट पास में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ये वॉश एरिया यहाँ पर दिया गया है, ताकि यहाँ से किचन, यहाँ से सामान गैस की टंकी वगैरह जो भी आपका किचन का सामान है आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं। और एक बढ़िया सी विंडो आपको बॉक्स नुमा आप देख सकते हैं एलिवेशन के साथ यहाँ पर बनाई गई है। तो ऐसी बढ़िया सी प्लानिंग यहाँ पर की गई है आप देख सकते हैं। तो आप भी अपने मकान पे ऐसी प्लानिंग आप कर सकते हैं कॉर्नर वाला प्लाट। और ये हमारे ठेकेदार साहब है जिन्होंने इसकी प्लानिंग यहाँ पर की गई है, ये हमारे ठेकेदार साहब जिन्होंने यह मकान को बनाया गया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे ठेकेदार साहब का काम भी आपको बढ़िया यहाँ पर लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।